आइए जानते हैं शाम की 10 बड़ी खबरें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के किस जिले से आप खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। शराब विक्रेताओं पर सख्त शिवराज सरकार, बनाइए नियम आदेश जारी। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर शिवराज सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। दरअसल शराब दुकानदारों को शराब के विक्रय करने पर कैश मेमो देना अनिवार्य होगा। मामले में मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक 1 सितंबर से प्रदेश के सभी फुटकर शराब विक्रेताओं को देसी विदेशी शराब विक्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल देना अनिवार्य किया गया है। बाढ़ पीड़ितों को राहत, सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री सहित गोविंद राजपूत ने की कई घोषणाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सिंगल क्लिक के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 9 जिलों में बाढ़ अतिवृष्टि से हुई क्षति से प्रभावित 20,481 हितग्राहियों के बैंक खातों में 23,19,45,794 रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डाली गई। अभी तक श्योपुर अनुभाग के 15,168 प्रभावितों को 13,28,72,600 रुपए की राहत राशि प्रदाय की जा चुकी है। बाढ़ प्रभावित श्योपुर जिले के गांवों के लिए सीएम शिवराज ने की है बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और श्योपुर मुरैना संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्योपुर नगर पालिका के मैरिज गार्डन में गुरुवार को बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि श्योपुर शहर सहित सभी प्रभावित ग्रामों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकट बड़ा है पर सरकार आपके साथ खड़ी है, चिंता की कोई बात नहीं है, इस संकट से हम जरूर उभरेंगे। शासन प्रशासन सब प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहा है। कोरोना की नई गाइडलाइंस 31 अगस्त तक रहेंगी प्रभावी, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना केसों में कमी देखी जा रही है। कम मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। राज्य शासन के नए गाइडलाइंस के मुताबिक लोगों को कई तरह की छूट दी गई है। इस दौरान नाइट कर्फ्यू जारी रहेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस 31 अगस्त तक प्रभाव में रहेंगे। राज्य सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, त्योहार से पहले 28% बढ़ाया जाएगा डीए, सीएम ने किया ऐलान। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के 7th पे कमीशन डीए में बढ़ोतरी कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए इंक्रीमेंट के बाद कई राज्यों ने भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। हालांकि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसी बीच एक और राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 28% की बढ़ोतरी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में घोषणा की है। डीए में बढ़ोतरी 3 जुलाई 2021 से लागू होगी। पंचायत सचिव, शिक्षक समेत 3 निलंबित, 3 की संविदा समाप्त, तहसीलदार सीईओ को नोटिस। मध्य प्रदेश में शासकीय कामों में लापरवाही बरतने पर अधिकारी कर्मचारियों पर फिर कार्यवाही की गई है। शहडोल में पंचायत सचिव, सागर में शिक्षक और उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यही सतना कलेक्टर ने 3 संविदा कर्मियों को दक्षता ठीक नहीं पाए जाने पर संविदा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाढ़ के कामों में लापरवाही करने पर तहसीलदार और सीएम हेल्पलाइन में निराकरण में देरी करने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। शिवराज सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल मत्स्य पालन से जुड़े किसान और मत्स्य पालन करने वाले व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभ देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कार्यालय सहायक संचालक में आवेदन कर सकते हैं। मत्स्य पालन से जुड़े लाभार्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
मध्य प्रदेश के पेंशन धारियों को शिवराज सरकार ने दी राहत, एकमुश्त मिलेगी 5 महीने की पेंशन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल पेंशनधारियों को एकमुश्त 5 महीने की पेंशन दी जाएगी। वहीं पेंशन की रकम रक्षाबंधन के बाद ही पेंशनधारियों के खातों में भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि 3 दिन की सरकारी छुट्टी होने की वजह से पैसे राखी के बाद भेजे जाएंगे। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। जहां उनकी मांग सरकार से पेंशन को लेकर है, वहीं अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भोपाल के 4,474 गैस पीड़ित पेंशनधारियों को राहत दी है। किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना, मिलेगी 15 लाख रुपए की सहायता, करना होगा ये काम। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए कई बड़ी योजनाएं लेकर आ रही है। इसी बीच किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार और कृषि मंत्रालय जल्द नए बिल लाने की तैयारी में है। वहीं किसानों को एक बड़ा फायदा भी मिल सकता है। दरअसल मोदी सरकार किसानों को 15 लाख रुपए का लाभ देगी। चर्चाओं की माने तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान FPO PM पेंशन स्कीम शुरू की है। MP की 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों के दौरान सागर, ग्वालियर और भोपाल में सब भागों में भी तेज पानी। इंदौर, उज्जैन और होशंगाबाद में कहीं कहीं रिमझिम। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। अगले 24 घंटों के दौरान राजगढ़, विदिशा, रायसेन, भिंड, बैतूल, खंडवा, बड़वानी, उज्जैन, देवास, खरगोन और गुना जिले में भारी से भारी बारिश हो सकती है। यहां पर 3 इंच से लेकर 8 इंच तक पानी गिर सकता है। इंदौर और होशंगाबाद समेत 10 जिलों में रिमझिम हो सकती है। भोपाल में भी हल्की बारिश। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, सागर और छतरपुर जिलों में मध्यम से तेज बारिश होगी। सागर, रीवा, भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।